आषाढ़ी गांव में अभियुक्त को गिरफ्तार करने गए पुलिस पर लगे कई गंभीर आरोप। नवादा नगर थाना क्षेत्र के आषाढ़ी गांव में अभियुक्त को गिरफ्तार करने गए पुलिस पर घरवालों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किसी मामले में अभियुक्त बने चिंटू कुमार के परिजनों ने बताया कि मंगलवार की देर रात्रि पुलिस चिंटू को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन चिंटू घर में नहीं था। परिजनों का कहना है कि हम लोग सभी परिवार गाँव में ही एक भोज खाने के लिए चले गए थे। घर में सिर्फ एक महिला थी, जिसके साथ पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया। साथ ही पूरे घर में जमकर उत्पात मचाया और गोदरेज में रखे नकद समेत कई अन्य सामान लेकर चलते बने। इतना ही नहीं, घर के बाहर लगे दो बाइक को भी ले गए। पुलिस की इस रवैये को देखकर घर वाले काफ़ी उग्र हैं। इस संबंध में जब सदर SPDO उपेंद्र प्रसाद ने पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञात जाहिर करते हुए कहा है कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, पुलिस इस तरह से नहीं कर सकती है, बावजूद मामले की सत्य की जांच की जाएगी। चार्जर कर रहा था कि हम लगे अब उसको पुलिस, हाँ पुलिस लोग कर रहा था, अब हम उसको मानेंगे, चोर मानेंगे, पुलिस माने क्या माने, आप तो खुद अपराधी हैं, दूसरा का क्या अपराधी बनाइएगा। नहीं तो पुलिस पर मार्शिट कर रहा है, नहीं देखो मशीन से अगर चेक करे तो जाएगा, किसी ने ही किया भैया। ये सब पूरा बिखेरा पुलिस ही लोग सब क्या खोज क्या रहा था धमकी, तुम चुपचाप रहो, हमको जितना लेना है लेने दो, आपा धाबी पुलिस करना था यदि फोन के लिए चार्जर के लिए आप निचता काम पहचानते हो दरोगा? आप चौकीदार को बुला के ले जाइए, किसी को घुस दिए घर में, कोई चोर डकैत नहीं है, लड़ाई कहाँ नहीं होता है। इधर आइए थोड़ा सा, भोज था कल, पर हम भोज सब मिल के उधर थे, कन्हैया यही करते घर में पड़े हैं, पुलिस लोग आ कर लिए, साइंस था, मैंने एयरफोन था, चार्जर था, पैसा था, फार्म था, घड़ी था, आई गोदरेज तोड़ के सब कुछ निकाल के ले गए, आई पर FIR हुआ है, तो आप मैंने उसको ना अरेस्ट करते कि औरत के साथ टॉर्चर कीजिएगा, सामान ले जाइएगा। पुलिस नहीं था, महिला पुलिस नहीं थी, नहीं कुछ महिला पुलिस नहीं थी, वो लोग मैंने खुद भी काम किया है, पुलिस लोग भी है। 12 बजे रात में, 12:10 में आया है, ये कोई मतलब नहीं हुआ, सूचना दर्ज करना चाहिए, क्या महिला लोग इज्जत नहीं है? देखिए सर।